Assalamualaikum, welcome to our channel Ghazala Cooking World. आज मेरी अम्मी बनाने वाली है हैदराबादी मटन तहरी। ये देखिए, ये इतना लजीज, इतना बेहतरीन हैदराबादी मटन तहरी। चलिए देखते हैं अम्मी कैसे बनाती हैं इसे। चलो भाई देखो। तो दोस्तों, अम्मी ने ये प्रिपरेशन कर लिया है। ये सब डालने का चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें डालने वाला है, क्या क्या है अम्मी बताइए यहाँ से। ये क्या है? ये दो दो मीडियम साइज का प्याज है जी, ये दालचीनी है जी, दो अदद जीरा है, दो बादियान का फूल है, 10 लौंग है, 6-7 छोटी हरी इलायची है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 2 तेजपत्ता है। अच्छा, और ये सब? ये सौंफ है 2 चम्मच जी, 2 चम्मच लाल कश्मीरी लाल मिर्च जी, 1 चम्मच लाल मिर्च जी, 2 चम्मच धनिया पाउडर जी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जी, और 1 टीस्पून काली मिर्च जी, 2 टीस्पून जीरा पाउडर। अच्छा, ये बता दिया। चलिए, ये गरम मसाला 1 टीस्पून जी, 2 टीस्पून 2 टीस्पून अदरक जी, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट जी, और ये 8-10 हरी मिर्च का पेस्ट है। अच्छा, ये 50 ग्राम तक दही, ये दही है, बढ़िया। आइए, 4-5 टमाटर। अच्छा, और ये क्या है? ये पुदीना है और धनिया पत्ता है। अच्छा, मिला हुआ है? मिला हुआ है। ठीक है, समरिया। तो दोस्तों, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हैदराबादी मटन तहाड़ी में मेरी अम्मी डालेंगी आज। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। चलिए, तो सबसे पहले गैस ऑन कर लिया। गैस ऑन कर देंगे जी, बहुत बढ़िया। गैस ऑन करके कुकर चढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज से जी सरसों का तेल बढ़िया डाल देंगे। ये सरसों का तेल डल रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और बताइए। अच्छा, ये जो बताया था खड़े मसाले जो दिखाए थे, जो बताया था, हाँ हाँ, वो सारे डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया। ये डाल दिया अम्मी ने इसके अंदर। इसे हल्का भून लेंगे। अच्छा, हल्का भून लेना है। हाँ, बढ़िया। और मम्मी, ये क्या हो रहा है अभी? अब ये हो गया है, ये भून चुका है। हाँ, चलिए डालिए। अब क्या डाल रहे हैं? प्याज डाल रहे हैं। प्याज डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। प्याज डालकर जी हल्का इसे फ्राई करना है, ज्यादा जलाना नहीं है इसे। अच्छा, जला देने से पूरा खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब मीडियम फ्राई करना है ना। हाँ, बढ़िया। ये हाफ फ्राई हो चुका है। हाँ, हाफ फ्राई हो चुका है जी, ऐसी तरीके से फ्राई करना जी, बिल्कुल। इसके बाद से डालूंगी मटन। हाँ, हाँ। वाह, बेहतरीन, क्या बात है। इसे अच्छे से भूनूंगी, भूनने के बाद मसाला डालूंगी। ठीक है जी जी, बढ़िया। 1 टीस्पून नमक है, लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बहुत बढ़िया। फिर अब उसके बाद अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, फिर गरम मसाला। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर ये सब, अच्छा, ये सारे मसाले जो आप पहले बता चुकी हैं, बहुत बढ़िया है। डालिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये हरी मिर्च का जी, हरी मिर्च का पेस्ट है ये, बहुत बढ़िया। अब ये दही, दही सही है। ये टमाटर, टमाटर है ये, बहुत बेहतरीन। इसे मिलाना है, इसे मिला देना है जी, मिक्स करना है, बहुत सही। इसे मिक्स करने के बाद से मम्मी अब क्या डालना है? ये धनिया डालेंगे। अच्छा, धनिया। उसके बाद तो पुदीना डालेंगे, मतलब धनिया पुदीना मिक्स है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। जायकेदार होगा, सही है। तो फिर मिक्स करना है दोबारा से, मिक्स करके इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। 1/2 गिलास पानी, 1/2 गिलास पानी डालना, 1/2 गिलास पानी, सही है। अब इसे मिलाकर, अच्छा, दोबारा मिक्स करना है। अच्छा, मतलब मिक्स से मिक्स करना है इसे। मिक्स करके उसके बाद से इसके लिड लगा देंगे। अच्छा, लगाइए। अच्छा, लग गया। कुकर को बंद करने के बाद से फ्लेम में मम्मी क्या करना है? हाई रखना है। कितनी सीटी का इंतजार करना है? 3 सीटी का इंतजार करना है। अच्छा, बढ़िया। तो दोस्तों, 3 सीटी होने में तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट का टाइम लग जाएगा। जब तक आप जो मटन लेके आओ और अपनी मम्मी को बोलो ये डिश जरूर ट्राई करें, हैदराबादी मटन तहारी। A few moments later. तो 3 सीटी हो चुका है, अब अम्मी इसे खोल रही है। खोलिए अम्मी। अरे वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया बात है। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, माशाल्लाह। देंगे जी, डालने के बाद से ये भगोना जी। अच्छा, ये भगोना चढ़ गया। इसे इसे डाल दीजिए।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत बढ़िया। इसे गैस ऑन कर देंगे। अच्छा, गैस ऑन कर दिया। इसका फ्लेम क्या रहेगा मम्मी? इसे लो अभी हाई में रखना है। अच्छा, हाई में रखना है, बहुत सही। अब मम्मी क्या डालना है नेक्स्ट? आलू ऐड करना है। अच्छा, आलू ऐड करना है। इसमें कितने आलू डाला आपने? चार आलू ने? चार आलू डाले। अच्छा, इसे फिर मिक्स करना है। इसे अच्छे से सही है मिक्स कर देना है। सही है, थोड़ा आलू हल्का सा गल जाए। अच्छा, गल जाए। इसे कवर करिएगा अभी आप। अच्छा, अब इसे कवर कर देंगे। अच्छा, इसे कितने देर के लिए करना है कवर? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट फ्लेम क्या रहेगा? हाई रहेगा। हाई रहेगा फ्लेम, तो 10 मिनट का आपको इंतजार करना है, ठीक है? फ्यू मोमेंट्स लेटर। 10 मिनट हो चुका है, अब मम्मी निकालिए इसे, हटाइए। इसे खोल रहे हैं, ठीक है? अरे वाह, ओए होए, कितना मजेदार लग रहा है। अच्छा, इसे मिक्स करना है। मिक्स करना। अच्छा, इसे मिक्स करके, हाँ, फिर नेक्स्ट? ये कम से कम आधा लीटर पानी। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारा ये आधा किलो चावल है। अच्छा, आधा किलो चावल पे आधा लीटर पानी डालना है। आधा लीटर पानी। चलिए बढ़िया। फिर मम्मी नेक्स्ट क्या करना है? इसे ढक देना है। अच्छा, एक बॉयल आने पर। अच्छा, एक बॉयल आने का इंतजार करना है हमें। ये कितने देर में आ जाएगा? हाई फ्लेम में रहेगा। अच्छा, हाई फ्लेम में आ जाएगा, उसके बाद चावल डालेंगे। अच्छा अच्छा, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो इसमें एक बॉयल आ चुका है ना मम्मी जी? अब बॉयल आने के बाद से क्या करना है? चावल ऐड कर देना। चावल ऐड कर देना है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। ये 1/2 kg चावल है। सही है, अब चावल ऐड कर लिया। उसके बाद मम्मी केवड़ा वाटर डालेंगे। अच्छा, केवड़ा वाटर। हाँ, केवड़ा वाटर। अच्छा, डाल दीजिए। बढ़िया है। फिर क्या डालना है मम्मी? 1/2 नींबू। 1/2 नींबू, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसे बस इसे डाल देंगे। अच्छा, इस वजह से कि थोड़ा सा खट्टापन भी आता है, इससे चावल भी नहीं सटता है। अच्छा अच्छा, चलिए सही है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, मिक्स कर लेना है। हाँ, अब इसे एकदम बराबर तरीके से ये चावल हो जाएगा हमारा। सही है सही है, देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अब इसे ढक देना है। फिर से ढक देना है। वो कितने देर के लिए? ये कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। कितना इसका फ्लेम क्या रहेगा? हाई फ्लेम में रहेगा। एक अच्छा, इसमें आ जाएगा खोल। अच्छा, उसके बाद से लो फ्लेम में। अच्छा, 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रख देना है। उसके बाद 10 मिनट दम में रखना है इसे। अच्छा, few moments later। अच्छा, हाई फ्लेम में 10 मिनट हो चुका है। अब 10 मिनट लो फ्लेम में होगा। में होगा, बहुत बढ़िया। 10 मिनट अब 10 मिनट ये लो फ्लेम में दम में अब तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये दम हो रहा है 10 मिनट तक। चलिए बढ़िया। मेरे पास कोई और रास्ता है? अब ये तैयार हो चुका है। वाह, बेहतरीन। वाह, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब मम्मी नेक्स्ट क्या डालना है? हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालिए। हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च गार्निश कर दिया ऊपर से। पुदीना धनिया जो बचा अच्छा, हुआ था। पुदीना और धनिया। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। नाइस। तो देखिए ये तैयार हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है देखने में माशाल्लाह। अब मैं अपनी अम्मी के हाथों से ये खाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको इसका टेस्ट कैसा आया है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी अम्मी के हाथों से टेस्ट करने लगा हूँ हैदराबादी मटन तहारी। मम्मी बिस्मिल्लाह। हाय हाय, इतना सुकून कैसा हुआ बताओ? बहुत टेस्टी माशाल्लाह। हैदराबादी मटन तहारी तो बहुत टेस्टी लगा अपनी अम्मी के हाथ का मेरे को, लेकिन इसका असल जायका तब आता है जब अपने आप माँ के हाथ से खाओ। माँ के हाथ का खाना अपने माँ के हाथ से निवाला जब मुंह में जाता है मजा आ जाता है। इसी बात में कमेंट में सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बात तो सही है। नाइस। पूरा मुझे तुम लोग खाते हुए देखोगे। अब जाओ अपनी अम्मी को बोलो मटन तहारी बना हैदराबादी, अपनी अम्मी के हाथ से खाओ। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।